ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमःपदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धुजगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव पाद पद्म नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद समागत गौर भक्त वृंद के चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गौर प्रेमानंद दे हरि हरि वो। इसलिए हम गत कल्ला श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की कथा, और यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु उन्होंने तो नवद्वीप में जन्म ग्रहण किया है, लेकिन उन्होंने अपना भक्तों को बहुत दूर दूर में उन्होंने जन्म दिला दिया। बोले दूर दूर में क्यों जन्म दिलाया? बोले कारण है कि जहाँ पर एक वैष्णव भक्त जन्म लेता है कि उसको प्रभाव में लख्य जोजन स्थान उसकी प्रभाव से पवित्र हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं बोले जय देश जय कुले वैष्णव अवतारे ताहर प्रभाव लख जोजन निस्तारे जे स्थाने वैष्णवगण करे न विजय सही स्थान है अति पुण्य तीर्थमय। कहते वैष्णव लोग जहाँ जन्म लेते हैं वो स्थान तो पवित्र हो ही जाता है। कितना स्थान? लख जोजन तक स्थान पवित्र हो जाता है। कहते उसकी बात छोड़ दो, जहाँ जन्म लेते वो तो हो ही जाता है, लेकिन यहाँ कहते जिस स्थान में वैष्णव लोग विजय करते हैं, मतलब वैष्णव लोग जहाँ पर जाते हैं, कहते सही स्थान है अति तीर्थ पुण्य तीर्थमय। कहते वैष्णव लोग अगर कहीं चले भी जाए वो स्थान भी अत्यंत पुण्य स्थान हो जाता है, हैं? इसलिए भागवत में बताए जिस समय श्री गर्गाचार्य मुनि कहाँ पर आए, श्री नंद बाबा का घर में आए। नंद बाबा का घर में आने पर नंद बाबा तो कृष्ण का पिताजी है, हैं? वो तो परम वैष्णव है, परम भक्त है, लेकिन नंद बाबा स्वयं ये बात को कहते हैं बोले भगवत द्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि सांत्वस्तीन गदा वृतम। कर जहाँ पर भक्त लोग वैष्णव लोग आ जाते हैं बोले वैष्णव लोग क्यों जाते हैं, दूसरे घर में कहीं जाते हैं क्यों? बोले निज कार्य नहीं तब जान तार घर। कद भक्तों का कोई अपना काम नहीं है, हैं? कोई काम नहीं, लेकिन ये भक्त जाते हैं फिर क्यों? बोले कारण है दूसरों को कल्याण करने के लिए,
दूसरों को उद्धार करने के लिए जाते हैं। इसलिए कहते तीर्थ भूता स्वयं प्रभु, कहते वैष्णव ही तीर्थ स्वरूप है। कभी कभी दिखाई पड़ता है वैष्णव लोग भी तीर्थ तीर्थ में जाते हैं, बोले क्यों, बोले तीर्थ को तीर्थ तो प्रदान करने के लिए। पापी लोग आकर के तीर्थ में स्नान करते हैं, फिर क्या होता है, ये तीर्थ पाप की बोझा से बोझ हो जाता है, तीर्थ पाप से हैं। फिर ये तीर्थ कैसे पवित्र होगा, तीर्थ तो दूसरों को पवित्र कर दिया, अभी तीर्थ भी तो पवित्र होनी चाहिए। इसलिए जिस समय भगीरथ ने ये मरते जगत में गंगा को लाने के लिए उन्होंने स्थिर की और उन्होंने तपस्या करके गंगा देवी को खुश कर दिया, अभी गंगा देवी आना चाहती है, तब गंगा कहती है मेरे पास में दो समस्या, ये दो समस्या को अगर हल कर दो कि मैं आ सकता हूँ। तब भगीरथ ने बताया, बताओ क्या दो समस्या है। बोले पहला समस्या है, मैं तो ब्रह्मलोक से आऊँगा, हैं ब्रह्मलोक से आऊँगा, इतने तेजी मेरी गति है। आप लोग कभी गए हो कहाँ पर, गंगोत्री कभी गए, गंगोत्री गए, उसका आगे नहीं गए होंगे, जहाँ असली जहाँ से गंगा प्रवाहित होती है, हाँ गौमुखी है, वहाँ पर इतने तेजी से पानी गिरता है, हैं बड़ा तेजी से पानी गिरता है, वहाँ पर भयंकर रूप में तेजी से पानी गिरती है। और यहीं पर इसकी गति इतना ही है, जब वो ब्रह्म लोक से आएंगे, ब्रह्मा जी के कमंडल से आएंगे, भगवान के चरण से, बड़ा गति तीव्र गति है। भले मेरी गति को कौन संभालेगा, नहीं तो मैं ये पाताल को भेद करके, फिर ये पृथ्वी को भेद करके मैं पाताल में चली जाऊँगी, ये बेग को धारण कौन करेगा, ये समस्या। दूसरी समस्या है, मैं आऊँगी तो जितने सब पापी लोग बोलते ना, चलो गंगा नहा करके आएंगे, क्यों बल पाप छोड़ करके आएंगे, सब लोग तो गंगा में नहा करके पाप को छोड़ जाएंगे, अभी मैं तो मलिन हो जाऊँगी ना, अभी मैं पवित्र कैसे बनूँगी, ये दो चीज़ की समस्या को तुम समाधान कर दो, फिर मैं आ सकती हूँ। फिर उन्होंने श्री भोले बाबा को आराधना की, आराधना करके भोले बाबा को संतुष्ट किए, भोले बाबा तो खुश हो गए, और भाग्य है ठाकुर जी का चरणामृत हैं, इससे तो पवित्र वस्तु कुछ हो ही नहीं सकता है, ठाकुर का चरणामृत को मैं सर पर धारण करूँगा, मेरे जीवन तो धन्य हो जाएगा। भोले बाबा तो खुश हो गए हैं। फिर बोले इनकी, फिर गंगा देवी बोले के लिए शंकर जी मेरे गति को धारण कर लेंगे, शंकर जी बोले कोई बात नहीं, बोले संभल करके बोलना, हैं संभल करके बोलना, मेरा गति बड़ा तेज, बोले कोई चिंता मत करे शंकर जी, त्रिशूल लेकर खड़े हो गए, आ जाओ कोई बात नहीं, जितना ताकत लगा दो। हे गंगा तो सोच रही थी शंकर जी को भी नीचे ले जाऊंगी, लेकिन शंकर जी परम वैष्णव है, भगवान की भक्त है, हाँ जाके राके साइया मार सके ना कोई, इसलिए उन्होंने एकदम खड़े हो गए। हे गंगा कलकल नाद करते हुए निकली ब्रह्मलोक से, जब उन्हें तेजी से आई शंकर जी जटा को, उन्होंने इतने फैलाया जटा को, बस गंगा उसके अंदर में घूमती रह गई और नीचे ही नहीं आई, हैं शंकर जी जटा में धारण कर लिया। फिर भगीरथ ने शंकर जी को प्रार्थना किया, इतने कष्ट करके लाया हो, थोड़ी सी दे दो। शंकर जी बोले चरणामृत तो थोड़ी देने का लायक, उसको तो पीने का लायक ही है, सर पर धारण बोले थोड़ी सी दे दो। शंकर जी थोड़ी सी जटा से निकाल दिया, फिर ये गंगा आई है। हाँ दूसरी समस्या है, बोले फिर सो मैं तो पापी बन जाऊंगी, सो पापी लोग कितने लोग गंगा में नहाने जाते हैं बताओ, कितने हजार हजार लाख लाख लोगों को आप देखना, अभी तो गर्मी का समय में सब कितने लोग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं या सुख यहाँ पर है सुकरताल, और सारा पृथ्वी में जहाँ पर गंगा होगी ना है वहाँ पर देखोगे लोगों का भीड़ है, हैं इसलिए फिर मैं क्या करूँगी, बोले कोई चिंता मत करो, जैसे उसमें पापी लोग आकर के स्नान करेंगे, संत लोग भी तो आएंगे, भगवान की भक्त लोग भी तो आएंगे, हैं उनका स्पर्श से तुम्हारी वो इतने शक्ति है, उस तुम्हारे सारे पाप को वो स्वीकार कर लेंगे, उनका स्पर्श होते ही हैं। कारण है बोले अपना हृदय में तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, संतों के हृदय में भगवान का निवास होता है, होने का नाते वो तीर्थों को फिर तीर्थत्व प्रदान कर दे, तीर्थों को फिर पवित्र बना देते हैं। इसलिए इतने शक्ति वैष्णव के अंदर में, इतने शक्ति, इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिस स्थान वैष्णव गण करे न विजय,
अगर भक्त लोग अगर कहीं चले गए क्या हो जाता है, बोले सही स्थान है अति पुण्य तीर्थमय, वो स्थान अत्यंत पवित्र बन जाते हैं। हम कहते हैं ना हमारे घर में जब साधु संत आते हैं, भक्त लोग आते हैं, हरि कीर्तन हरि कथा करते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे घर धन्य हो गया है। क्यों? आज हमारे घर में वैष्णव लोग आए, घर में हरि चर्चा, घर में हरि कीर्तन हुई है, क्या बोलते हैं ना हम लोग। इसलिए कहते हैं भक्त लोग को जाने का इतने महत्व है। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, अपना भक्तों को उन्हें दूर दूर में जन्म दिया, बोले जाओ फैल जाओ सब जगह पर, फैल करके सब, बोले अशौच देश जो अत्यंत अपवित्र स्थान देश है, बोले जाओ वहाँ पर जन्म ले लो। वहाँ जन्म ले लिया तो उसको प्रभाव से सबको उन्होंने उद्धार कर दिया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले नवद्वीप है न ग्राम त्रिभो बने नाई, जही अवतीर्ण है ल चैतन्य गोसाई। कहते जो नवद्वीप धाम है बोले ऐसे गांव त्रिभुवन में नहीं, बोले क्यों, बोले जहाँ अवतीर्ण है ल चैतन्य गोसाई, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म ली। कहते जब उनका भक्त जन्म लेने पर जब इतने सौभाग्य है, आज यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी जन्म लेंगे, बताओ वो स्थान कितने पवित्र, कितने स्थान पवित्र नहीं होगा। अब विशेष करके बताया कलयुग में और जो जो जितने सब तीर्थ स्थान है ना उसका महिमा धीरे धीरे घटते आएगा, लेकिन कलयुग में नवद्वीप धाम की महिमा बढ़ते जाएगा। परिक्रमा में गए ना आप लोगों ने, हैं कितने लोग देखा, हमारी मंदिर में ही कितने लोग देखा, ऐसे ही कितने मंदिर से परिक्रमा निकलती है, कितने मंदिर से परिक्रमा निकलती है, हैं हजार हजार लोग पर, जैसे लगता है लोगों का बाढ़ आ गया, इधर लोगों का बाढ़ आ गया है नवद्वीप परिक्रमा में। इसलिए कहते हैं कहते नवद्वीप हेमंत धाम त्रिभुवन नाई, कहते जो ऐसे जो गांव है ना ये त्रिभुवन में नहीं है। इसलिए श्री हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते बोले वैकुंठ जनित भरा मधुपुरी तत्रापि गोवर्धन, कहते जितने भगवत लोक में सर्वश्रेष्ठ लोक किसको बताए, बोले वैकुंठ, सर्वश्रेष्ठ लोक वैकुंठ लोक, जहाँ जाने पर जीव फिर भवसागर में नहीं आता है, वैकुंठ को सर्वश्रेष्ठ। लेकिन ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ किसको बताए, वैकुंठ जनित भरा मधुपुरी, उससे श्रेष्ठ मथुरा को बताया है, उससे श्रेष्ठ मथुरा की अयोध्या, तो उसको वैकुंठ ऊपर में श्री अयोध्या है, वैकुंठ ऊपर में अयोध्या, बोले वैकुंठ से अयोध्या श्रेष्ठ। कारण है वैकुंठ में जो रस है, जो भगवान को भक्ति करने वाला सब दास्य रस है, भगवान प्रभु हम सबके सब उनकी दास है। इसलिए वैकुंठ में शांतागारम भुजग शयनम, उसके बाद में पद्मनाभम सुरेशम, इसलिए हाँ इसलिए भगवान को सबके सब जितने वहाँ पर एक ही रस है, क्या रस है, और दास्य रस है, और कोई उसके ऊपर कोई रस नहीं, सबके सब भगवान नारायण को मानते हैं हमारे प्रभु, हम सबके सब उनका सेवक है। इसलिए माँ लक्ष्मी क्या करती है, हर्षमन की अपना गोद में चरण को कभी छोड़ती नहीं, पता नहीं और कहीं नहीं चली जाए हैं, उनको गोद में लेकर दिन भर उनकी चरण की सेवा करती रहती है। इसलिए वहाँ पर सब के सब एक रस दास्य रस है, लेकिन उसको ऊपर में कौन सा रस है, सख्य रस है। इसलिए वहाँ पर तो और कोई रस नहीं, लेकिन उसको ऊपर में जो धाम है, कौन सा धाम, बोले अयोध्या धाम, जहाँ पर भगवान राम रहते हैं, बोले वो श्रेष्ठ क्यों, बोले वहाँ पर जो दास्य रस तो है ही है, लेकिन दास्य रस होने पर भी वहाँ वात्सल रस भी है, सख्य रस भी है, हैं कि जैसे भगवान राम का सखा लोग थे, कौन थे, सुग्रीव विभीषण गुहक चंडाल, ये सब उनकी हैं, इसलिए ये सब के सब इनकी सख्य रस सखा रस। इसलिए जब राम दरबार लगता था, जब भगवान राम जब बैठते थे, भगवान राम क्या करते थे, उनको बराबर आसन पर बैठाया करते थे, उनको बराबर आसन देते थे, भगवान समान बराबर, क्यों भगवान की दोस्त है हैं, उनको बराबर आसन देते थे, इसलिए वहाँ पर सख्य रस है। लेकिन उससे ऊपर है वात्सल रस, वहाँ पर भी वात्सल रस भी वहाँ पर है, क्योंकि उनकी माँ है, जगतपति जगन्नाथ है, उनका जगत में कोई माँ नहीं, लेकिन होते हुए भी माँ किसको ग्रहण उन्होंने किया, भाई कृपालु क्या,
प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हैं। इसलिए उन्होंने कौशल्या के हित करने के लिए उन्होंने श्री राम लाला रूप में भगवान होते हुए भी माँ बनाया उन्होंने। इसलिए वहाँ पर भी कौशल्या कही गई सुमित्रा जिनकी माँ है और जिनको लेकर के उन्होंने अपना गोद में लाल पालन करते हैं, उनको प्यार देती है जैसे माँ बच्चे को स्नेह देती है, वहाँ पर भी ये कौन सा रस है, वहाँ पर बात्सल्य रस है। लेकिन उसको ऊपर में कहते श्रृंगार रस है, कहते वहाँ भी श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। बोले उनकी पत्नी कौन है, माता सीता है, इसलिए वहाँ पर श्रृंगार रस भी वहाँ पर है, ये सारे रस वहाँ पर है। लेकिन उससे जो श्रेष्ठ बताया कहते ये द्वारका है, द्वारका बताए, और यहाँ पर तो द्वारका और मथुरा है, कहते मथुरा बताए। बोले कारण क्या है, बोले उनसे श्रेष्ठ क्यों, बोले इसलिए श्रेष्ठ हैं कहते वहाँ पर मथुरा में कौन रहते हैं, वहाँ पर उद्धव जी रहते हैं, सात्विकी रहते हैं, उनको 16,160 पटरानियाँ भी रहती हैं वहाँ पर हैं। इसलिए कहते अयोध्या से श्रेष्ठ कौन सा धाम हो गया, मथुरा धाम हो गया, द्वारका और मथुरा धाम हो गया, द्वारका गुफर में मथुरा धाम हो गया है। लेकिन कहते ये मथुरा से भी श्रेष्ठ है, कौन सा है, ये वृंदावन धाम से श्रेष्ठ, श्री वृंदावन धाम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, कहते ये वृंदावन धाम श्रेष्ठ क्यों, देखो ये चीज को अच्छे तरह से समझो, ये कारण क्या है, अच्छे तरह से ये चीज को अच्छे तरह से समझो, ये वृंदावन धाम श्रेष्ठ क्यों है। कहते जैसे मथुरा में द्वारका में भी ही वहाँ भी सख्य रस है, हो गया पानी, पानी कहाँ से लाओ, बोले गोविंद जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर ब्रह्मानंद हरि हरि। हाँ कहते उनसे वो श्रेष्ठ, बोले श्रेष्ठ कारण क्या, वृंदावन ये किस लिए, ये वृंदावन इतना श्रेष्ठ है, अच्छा अच्छे तरह समझो किस लिए श्रेष्ठ है। कैसे जैसे अयोध्या में भी सख्य रस है, कृष्ण भगवान राम का सखा, और द्वारका में भी सखा है, उनको मथुरा में सखा, अर्जुना आदि की सखा लोग है,
उद्धव आदि भी इनके सखा लोग है, लेकिन ये वृंदावन क्यों सख्य रस है? कहते जो सख्य रस का जो पूर्ण जो प्रकाश है ये वृंदावन में, जैसे उदाहरण देकर समझाए, जैसे भगवान राम जैसे जब जिस आसन पर बैठते हैं, कहते को जो गुहो का चंडाल, कहते जो गुहो का चंडाल और श्री कहते श्री विभीषण और सुग्रीव भगवान जिस सिंहासन में बैठते हैं, ये क्या जाकर उसी सिंहासन में बैठेंगे? नहीं, सखा होने पर भी कहते गौरव सखा, मतलब है भगवान को पूज्य बुद्धि, अरे ये भगवान है तो हम सखा हैं, लेकिन इस सखा होने पर भी भगवान के प्रति उनकी भगवता बुद्धि है, इसलिए भगवान जिस आसन पर राम बैठते हैं उनका अलग आसन, वहाँ बैठो हैं, वहाँ पर बैठो हैं, लेकिन देखो ब्रज में देखो कैसे, क्यों ये श्रेष्ठ बताइए तो अच्छे तरह समझ लो। एक सखा जैसे एक दोस्त होता है ना, क्या करता है आप कभी देखना, कभी बचपन में हम जब खेलते थे सखा लोग, अगर कोई फल खा मिल गया ना, हम एक बार खाते थे, वो एक बार खाता था, हमारा जो दोस्त होता था, हम जाते थे प्यार प्यार इधर उधर पेड़ से हैं कर खाते थे, हम एक बार खाते थे उसको एक बार खाते, उस एक ही फल है और वो एक बार खा गया तो फिर हम भी एक बार खाते थे एक ही फल को, हैं जिस ग्लास में हमने एक ढोक पी लिया वो भी उसी एक ढोक में पी लेता है। और जो आपस में खेल कूद करते थे हैं, और कभी कभी आपस में लड़ते थे झगड़ते थे आपस में, अरे तू किस चीज़ के बड़े हो, इसलिए। लेकिन जो ब्रज का जो कृष्ण है, जैसे कि सखा होता है बराबर होता है, सखा बराबर होता है, अरे तू किस चीज़ की बड़े, हमारे पिता को ऐसे आधार नहीं, जैसे श्रीधाम कहता है हैं, इसलिए श्रीधाम कभी कभी क्या करता है कृष्ण को पछाड़ देता है, हैं बोले तेरे बाबा कितना संपत्ति, बोले 9 लाख, कृष्ण को बोलते थे बोले जानते हो मेरे बाबा का कितना, 11 लाख, तेरे से हम बड़े हैं, और तू किस चीज़ के बड़े हो, तेरे साथ में जो कुश्ती लड़ते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, तेरे को मैं पछाड़ देता हूँ तेरे को, इसे तू किस चीज़ की बड़े। कहते ये सख्य रस में क्या पूर्ण जो सख्य रस का एक दोस्तों को साथ में जैसे स्वाभाविक रूप में आनंद है दोस्त, अरे क्या कर रहा था नहीं कर रहा था छिना थाने झपटी, जैसे एक दोस्तों को साथ में करते हैं, वो कहाँ पर है, ये वृंदावन में है, लेकिन क्या ये अयोध्या में है, क्या हमारे सुग्रीव बोल सकता है, विभीषण बोल सकता है, अरे क्या कर रहे हो राम जी, है कृष्ण अगर किसी सिंहासन में बैठे मधुमंगल क्या करता है सीधा, ए सारे अकेले बैठे थे सर जा, थोड़ी बार के जगह था एक आसन पर बैठ जाते और कृष्ण को हटा देते हैं और उसको जंगे ऊपर जंगे रख करके बैठ जाते हैं, गलबैनिया देते हैं, क्या विभीषण कर सकते हो, भगवान राम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या सुग्रीव कर सकते हैं, नहीं। सुग्रीव को क्या हुआ, जब भगवान राम ने ये चीज़ अच्छे तरह समझो, क्यों कृष्ण को अंदर में श्रेष्ठ परिपूर्ण कारण किया है, जैसे सुग्रीव ने जब उन्होंने भगवान राम ने सुग्रीव को उन्होंने बाली को बद करके उसको पत्नी को दिला दिया, लेकिन सुग्रीव ने क्या किया, अरे अभी दो पत्नी हो गई ना, तारा हो गई फिर अपना पत्नी हो गई, वो इतने बंदर जाते गए ना इसलिए चंचल है वो, अपना पत्नी को लेकर कितना मस्त हो गया, प्रभु के राम की सेवा ही भूल गया। इतने में भगवान राम बैठी बैठी करके दुखी हो रहे हैं, ये बरसात चला गया, आप बोल रहा था बरसात चली जाए, मेरी सीता कहाँ चली गई, बरसात चली गया, लेकिन उसको मैंने बलि को मार कर उसको पत्नी दे दिया, अभी तक तो उसने कोई पता नहीं लगा रहा, तब उन्हें लक्ष्मण को भेजा, हे लक्ष्मण ने ऐसे डांट लगाए ना, बोले जिस बाण से उन्होंने रावण बाली को मारे अभी कोई बाण नहीं गया, अभी भी त्रुणी में वही बाण है, हैं मेरे प्रभु तेरे को उद्धार कर दिया, तो लग रहा यहाँ मस्त हो गया स्त्री को, यही से उन्होंने डांट लगाए ना, वो कांपते 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 बाहर आए, कांपते कांपते आए, लक्ष्मण को माफ़ी मांगे, प्रभु के चरण में माफ़ी मांगे आकर के, हैं क्योंकि वहाँ पर जो सख्य है, सख्यत है प्रभु राम में, लेकिन जो सख्य है ना भगवान के प्रति गौरव होती है, भगवान ये हमारी प्रभु है, ये हमारी प्रभु है, इसलिए वहाँ पर पूर्ण सख्य का वहाँ प्रकाश नहीं, कहाँ पर सख्य प्रकाश, कहते वृंदावन में पूर्ण जैसे दोस्तों को साथ में व्यवहार करते ऐसे है, हैं कृष्ण कभी सखाओं को डांट लगा दिया ना, एक बोल दिया ए पांच सुना दे, जैसे दोस्त होता है ना, एक सुना देता है तू क्या बोलते हो, तेरे में सब जानता हूँ, हैं लेकिन ये क्या द्वारका में होगा, नहीं द्वारका में भी नहीं और ये अयोध्या में भी नहीं,
और मथुरा में भी नहीं ये सब चीज़ें, जैसे मथुरा की जो सखा है, जैसे वहाँ की लीला जो है, कहते अर्जुन जैसे सखा हैं, अर्जुन सखा हैं, लेकिन पहले तो कृष्ण का दोस्त दोस्त मानते थे, लेकिन जब कृष्ण विराट रूप दिखाया, जब उनने विराट रूप दिखाया, क्या हुआ, अर्जुन कांप उठा, बोले प्रभु पहले मैंने गलती की है, मैं तो सोच रहा था तुम मेरे यार दोस्त हो, हैं दोस्त हो, प्रभु तुम जगत का मालिक हो, मेरे अपराध को माफ़ कर देना, मैंने आपको जो सखा जो बोल दिया दोस्त, अपराध को माफ़ करना, चरण में गिरने लग गए अर्जुन जी, हैं। इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी जब विभूति प्रकाश हो जाता है भगवान की, कहते जो सखे रस ना नीचे उतर कर आ जाता है, लेकिन वृंदावन में देखो कृष्ण जैसे दामाल को पान कर दिया, पूरा अग्नि को पान कर दिया, कृष्ण का सखा आँख बंद करो, सखा लोगों ने सोचा लगता है हमारा कान्हा है ना कोई मंत्र भत्र जानता है, और जो मंत्र है ना एकांत में बोला जाता है, सबको सामने नहीं, इसलिए कन्हैया कभी कभी ये सब काम करता है, मंत्र फंत्र करेगा, आँख बंद करो, आँख बंद कर दिया, हाथ जोड़ लिया, बस कृष्ण ने क्या किया, ये पूरा के पूरा अग्नि को उन्होंने पान कर लिया। फिर कृष्ण ने ऐसे क्यों किया, बोले अगर ये सखा लोगों देखे अगर मैं अग्नि पान कर दिया ना, एक दिन मैंने मिट्टी खा लिया तो दोस्त ने जाकर शिकायत कर दिया, कान्हा ने मिट्टी खाई, मैया ने खूब कान को अच्छे तरह से बोली, और मेरे को शासन ने किया, अगर अग्नि पान कर लूँगा ना फिर पता नहीं सखा लोग जाकर शिकायत कर देंगे तेरे लाला ने अग्नि पान कर लिया, पता नहीं फिर मैया क्या करेगी नहीं करेगी, इसलिए बोले आग बंद कर दो। इसलिए कृष्ण ब्रज में दूसरे दूसरे जगह पर जितने ऐश्वर्य भगवान के प्रकाश हुआ है, आप देखोगे ब्रज में उससे ज़्यादा ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ है। गिरिराज गोवर्धन को कृष्ण उठा लिया, सखाओं ने क्या किया, डंडे को टिका दी, डंडे बोले कन्हैया हैं तो हाथ सरका ले, हम गिरिराज को हम पकड़ लेंगे। कृष्ण ने कहा भैया तुमसे नहीं होगा, बोले तू क्या अकेला मैया का दूध पिया, हमने मैया की दूध नहीं पी, नीचे कर ले हाथ, हैं तुम क्या सोच हमको समझ रखे हो, हैं तेरे हम भी मैया का दूध पिए हैं। जिस समय गिरिराज गोवर्धन धारण हो गया, धारण होने के बाद जब बोले कृष्ण ने गिरिराज धारण किया, सखाओं ने क्या बोले, कृष्ण ने गिरिराज ये कब गिरिराज उठाया, गिरिराज ऐसे थोड़ी उठ गया, हमने डंडा टका कर रखते ना, हमने भी डंडे टका कर रखते तभी गिरिराज को उठा पाए, थोड़ी आप गिरिराज को उठाया, इसने थोड़ी गिरिराज नहीं उठाया, हम भी मदद किए गिरिराज उठाने में, मतलब कृष्ण वहाँ पर इतने उन्होंने क्या किया, इतने ऐश्वर्य को प्रकाश किया। लेकिन प्रकाश करने पर भी सखा लोग भगवान माने कृष्ण को, माने नहीं, जैसे ब्रज में जब कृष्ण गिरिराज उठा लिया, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए, एक नंद और जसोदा को बुलाए, बोले भैया अभी तो बोलो तो, अभी तो कृष्ण को मानो तो कृष्ण भगवान हैं, तुम लोग अगर हमने सुना एक दो कहीं मटकी फोड़ दे, मैया कान बोल देती है, उखल में बांध देती है, हैं उखल में बांध देती है, इसलिए अभी तो मान लो कृष्ण भगवान, ए नंदवा हा 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 करके जोर ठाल आगरा से, बोले देखो इसलिए क्या कहते ग्वाल का 80 साल में जो अकल का दांत निकलता है इनकी, इनका अकल नहीं बुद्धि नहीं होता, कहाँ मेरे बेटा ने तुमको विपत्ति से निकाले, और मेरे बेटे को पर विपत्ति आ गई, क्या विपत्ति आ गई, क्या सीखा है, मतलब कृष्ण को जहाँ भगवान बोलते हैं ब्रजवासी कहते ये हमारे पर विपत्ति है, ये संपत्ति नहीं, मेरे लाला को भगवान कहते, अरे तुमको क्या पता, भगवान कभी झूठ बोलते हैं, भगवान कहते सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य स जोनी निहितम च सत्य सत्यम परम धीमहि भगवान, जान तो ये कितना झूठ बोलता है, बात बात में झूठ बोलता है ये, हैं मक्खन पूरा तो पूरा खा लिया, मैया ने बोली तेरे तेरे मक्खन खाई, बोले मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, देखो कितना झूठ बोलता है, हैं। और अगर मैया को मिश्री मक्खन देने में थोड़ी सी लेट हो जाए, जान तो ये क्या करता है, ये मटकी फोड़ फाड़ करके घर पे एक कर देता है, भगवान कभी क्रोध आता है, अरे इसको मिनट मिनट पर क्रोध आ जाता है इसको, हैं। और ये क्या करते जानते, दूसरे घर में जाता है अगर मक्खन मिश्री नहीं मिला टाटी करके आ जाता है ये, हैं ये टाटी पेशाब करके आ जाता है ये, और ये घर में इतने नटखट करता है, तुमको क्या पता, हमको पता है घर में क्या, इस कोई भगवान की लक्षण क्या है, ये कोई भी ये भगवान भगवान कुछ नहीं, ये हमारे लाला है, इसलिए ब्रज में भगवान बोलना मतलब कहते विपत्ति है, कहते ये हमारी लाला है, हैं इसलिए लाला है। लेकिन अब द्वारका में देख लो, नहीं तो अयोध्या में देख लो, हैं अयोध्या में देख लो, भाई प्रकट भयाल दीन दयाला कौशल है तगारी, उसी समय जब कृष्ण प्रकटित हुए
कौशला ने हाथ जोड़कर प्रणाम करने लग गए। कभी अपने सुने कौशला ने कभी भगवान काल को बोले, भगवान राम को उखल में कभी बांधे, चोर छोटे गाली दिए तो झूठे हो लवार हो कभी बोले नहीं, क्योंकि वहाँ पर बात्सल्य रस है। वहाँ पर होने पर भी वो गौरव युक्त, मतलब भगवान ऐश्वर्य जो बुद्धि युक्त ऐश्वर्य जो युक्त है, इसलिए राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है कि है, लेकिन होने पर भी भगवान हर लीला में जितना प्रकाशित करना चाहिए उतना ही प्रकाशित लीला में किया है, हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण लीला में उन्होंने पूर्ण रूप में जो रस की, इसलिए बताया अखिल रसामृत मूर्ति प्रसीमर रुचि रुद्ध तारका पाली। अखिल जो रसामृत है, जो सिंधु है, किसी लीला में ठाकुर जी ने प्रकाशित किया, उन्होंने कृष्ण लीला में ही ये चीज को उन्होंने प्रकाशित किया है, हैं। ये कृष्ण लीला में ये प्रकाशित किया है। इसलिए जैसे श्रृंगार रस है, सीता जी को वन में छोड़ दिए ना, ले जाओ छोड़ कर आ जाओ। सीता जब आई बोले अग्नि परीक्षा कर, लक्ष्मण तो बिगड़ गए, बोले किसी ने जोर जबरदस्ती किसको उठा कर ले जाए, इसमें क्या दोष है, वो मेरे माँ है, इसलिए मैं विद्रोह कर सकता हूँ। लेकिन तब राम जब समझाए, फिर सीता को अग्नि परीक्षा करना पड़ा। बाद में जब फिर अयोध्या में फिर उल्टा पुल्टा बोले बात कर रहे थे, फिर सीता जी को उन्होंने घर से त्याग दिया। लेकिन राधा रानी गोपियों को अगर कृष्ण कहीं बोलेंगे ना कुंज से निकल जाओ, गोपियाँ बोले तू निकल जा हम निकलेंगे, तेरे को किसने बुलाया हैं, तू तो कभी राधा रानी जब मान करती है, कभी चूड़ी बेचने वाली, कभी मालीहारिणी, कभी पालीहारी रूप धारण कर कृष्ण स्वयं आते हैं, और राधा रानी मान करते जाकर कृष्ण क्या करते हैं, उनके चरण में गिरते हैं। सेवा कुंज का नाम क्यों पड़ा, इसलिए बड़ा सेवा कुंज है, जहाँ परम ब्रह्म परात पर तत्व बैठ पैलट राधिका पायन। बोले इतने उन्होंने भक्ति का प्रेम में बसीभूत हो, जहाँ पर उन्होंने चरण की सेवा की, गोपियों को पास में कहते न पार हम निरभद्र संजुजा, गोपियाँ तुम्हारी ऋणी से कभी ऋणी नहीं बन सकता, इतने तुम लोगों ने मेरी भक्ति की। लेकिन द्वारका में क्या यह हुई है, कृष्ण कभी रुक्मिणी सत्यभामा का चरण पकड़े, अयोध्या में पकड़े, सीता को निकाल दिया घर से, उन्होंने सीता चुपचाप घर से निकल गई, कुछ बोल नहीं पाई हैं, क्योंकि वहाँ पर यद्यपि वो प्रिया प्रियतम है श्रृंगार रस, होने पर भी वो श्रृंगार रस का पूर्णतम नहीं। तुम्हारे घर में कोई पतिव्रत में लड़ाई होती है, हाँ कि नहीं, अगर पति एक बोले तुम दो बोलती कि नहीं, बोल देती है ना, बोले चुप रहो तुम ये करते हो ये करते हो, दस बात सुना देती कि नहीं, हाँ पति भी दस बात सुना देती है, हैं तुमने ये किया ये किया। अगर पति अगर किसी पत्नी को कोई बोल दिए, कोई बात बोल दिया, पत्नी सोचती ठीक है मेरा मौका है, हैं तुमने बोल दिया हमारा भी मौका आएगा, बारी आएगा तो हम भी दस सुना दे, तुम पाँच सुनाए, हैं वो इंतजार करती है हम भी, क्यों पति पत्नी में तो इतनी घनिष्ठता है, दोनों में इतनी मित्रता है जन के अंदर में, इसलिए वो सुनाने पर वो सुना देती हैं। लेकिन ये कहाँ पर प्रकाशित तो हुआ, ब्रज में। अगर कृष्ण एक बोला तो गोपियाँ दो सुना देती है, दस सुना देती हैं, हैं हम तुमको जानते हैं। ललिता तो कृष्ण को डांट देती है, बोले चुप बैठो, हैं हम राधा रानी को नीचे मत दिखाया करो, हम राधा रानी को नीचे, तेरे को हम सब जानते हैं तू क्या करता है कि नहीं करता, हैं अभी धर्मात्मा बन गए, बचपन में गई पुतना को मार दिया, उसको बैल को मार दिया, तुमने ये सब उल्टा पुल्टा काम किया, ये बन गए हैं। जब दान घाटी में दान मांगते हैं ना, ये गोपियाँ उनको कितना खारी कुटी सुना देती है, क्योंकि जो श्रृंगार रस जैसे स्वाभाविक रूप में एक जो प्रिया प्रियतम में जो रस है वो केवल ब्रज में ही प्रकाशित तो हुआ है, ये और कहीं प्रकाशित तो नहीं हुआ। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कहते कौन सा धाम है, वृंदावन से कहते नवद्वीप है न धाम त्रिभुवन नाहीं, जहाँ अवतीर्ण हैल चैतन्य गोसाई। कहते जो सर्वश्रेष्ठ धाम तो कौन सा धाम है, भगवान की गोलोक वृंदावन, इससे श्रेष्ठ धाम नहीं। लेकिन उसको ऊपर में जो धाम ये स्वत द्वीप है, नवद्वीप धाम सर्वोपरि है, हैं, क्योंकि कृष्ण लीला में उन्होंने उनको लीला को कौन सा लीला बताए उनको लीला को बताए ये लीला पुरुषोत्तम है, हैं। लेकिन जो माधुर्य जो पुरुषोत्तम है, कहते ये कौन है, और उन्होंने जो पूर्ण प्रेम की जो प्रकाश जो हुई है, हैं, कहते ये श्री नवद्वीप धाम में हुई है, महाप्रभु ने प्रकाशित किया है, और महाप्रभु को लीला सर्वश्रेष्ठ लीला श्री महाप्रभु का लीला है। इसलिए सर्वोपरि जो धाम श्री श्रेष्ठ जो धाम श्री नवद्वीप धाम, इसलिए कहते हैं नवद्वीप है न ग्राम त्रिभुवन नाई, नवद्वीप जैसे धाम दुनिया में कहीं
नहीं। बोले क्यों? बोले जहाँ अवतीर्ण है चैतन्य गोसाई, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए, तब उसमें एक लीला में बताए जैसे कृष्ण ने मटकी फोड़ी, मैया ने क्या की, उखले में बांध दी ना, उखले में बांध दी ना, बांध दी। लेकिन कहते जब महाप्रभु जब स्कूल से आते थे, मैया उनको गंगा पूजा के लिए उन्होंने क्या करे सारे सामग्री को उनके लिए हैं धूप दीप फूल सब रखती थी। महाप्रभु जाते थे गंगा नहाते थे, गंगा पूजा करते थे। इतने में महाप्रभु पढ़ करके आए, बोले मैया गंगा पूजा के लिए सामग्री दे दे। बोले लाला थोड़ी सी रुक जा, अभी मैं आती हूँ। अरे बोले अभी तक तो लाई नहीं, अभी तक तो लाती हो? अरे महाप्रभु तो डंडा लेकर जितने मटकी वटकी फोड़ गाड़ दी, लेकिन सच्ची मैया ने कुछ भी नहीं बोली, एक कोने में खड़ी रही, कुछ भी नहीं बोली। अब महाप्रभु बच्चे थे, ये फोड़ फाड़ दिए उसको, बाद में फिर जमीन पर रो करके लोट पुट, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है ना, वो लोट पुट खाने लग गए, रोने लग गए। फिर रोने रो रो करके जब शांत हो गए, सच्ची मैया कहते निमाई बताओ बिगड़ा तो किसके बिगड़ा, बताओ अपना घर का सामान तो बिगड़ा तुमने, अब बताओ तू ठाकुर के मटकी को फोड़ दिए, अभी ठाकुर के लिए रसोई कैसे बनेगा, ठाकुर के लिए प्रसाद कैसे बनेगा? तुमने मटकी, पहले तो मिट्टी के पात्र से सब होता था, इसे अभी ठाकुर को रसोई कैसे बनेगा? लेकिन मैया ने कृष्ण को जैसे उखल में मैया बांध दी, उन्होंने बांधे नहीं। इसलिए कहते इनसे मैया यशोदा से भी ज़्यादा जो धीरज लेने वाले हैं कौन है, श्री सच्ची मैया है, उनसे भी ज़्यादा धीरज लेने वाले ये सच्ची मैया है। इसलिए महाप्रभु का जो लीला है बताइए, सर्वपर लीला श्री महाप्रभु का ये लीला है। इसलिए कहते हैं त्रिभुवन में ऐसे गांव कहीं नहीं जहाँ पर श्री महाप्रभु जन्म ग्रहण किया। बोले श्री नवद्वीप धाम की, ये नवद्वीप धाम है क्या, राधा रानी अपना हृदय से कृष्ण के लिए न कुंज उन्होंने बनाए, न कुंज ही यही नवद्वीप धाम है, हैं ये नवद्वीप धाम, न कुंज ही नवद्वीप धाम है। और जो नारद जी को जब बुखार सर दर्द हुआ, जब कृष्ण बोले कोई भक्त अगर मेरे को अपना चरण धूलि दे दे तो सही होगा, नारद जी सब जगह पर गए कोई नहीं दिया, लेकिन ब्रज में आए तो दिए। कृष्ण नारद जी क्या किए, सब ब्रज गोपियों की ब्रजवासियों के चरण धूलि सर पर रख करके द्वारका ले गए, और द्वारका लेकर के भगवान स्नान किए, जिसमें स्नान तो किए किए जितना, और जितना बच गया ना वो नारद ला करके जो नवद्वीप धाम नहीं, कहते जो बच्चा हुआ जो ब्रज रज है ना उन्होंने यहीं पर डाल दिया, जो वहीं पर डाल दिया ब्रजवासियों का चरण धूलि, ये श्री नवद्वीप धाम है, हैं। बोले श्री नवद्वीप धाम की, सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो कृपा। ठीक है हम अपना कीर्तन कर लेते, ठीक है। दवन सम संसार सुना बच्चों, हरे कृष्ण, आज शाम को मैं ये बोलूँगा, जैसे इधर उधर सुन लो, शाम को हम बोले हमारे एक है लता दीदी से आज जुड़ी हुई है, हमारे श्री सुंदर गोपाल प्रभु और श्री विशाखा दीदी एक कोर्स, पहले तो उन्होंने गीता की कोर्स करवाई थी, अभी उन्होंने और ही एक खोले कृष्ण की और, उसका नाम दिया कृष्ण की और, वो ऑनलाइन में क्लास देते हैं, हैं ऑनलाइन में, जो माताओं के लिए श्री विशाखा दीदी देती हैं और जितने भाई लोगों के लिए देते हैं श्री ये सुंदर गोपाल प्रभु देते हैं, उसमें ये कोर्स होता है। विश्वेश्वर टाइम खराब खोल कर ये जो इसके लिए, इसको सुंदर गोपाल प्रभु जो लड़कों के लिए सुंदर गोपाल देते हैं, फिर उसमें टेस्ट होता है, परीक्षा भी करते हैं, फिर उसमें मार्क भी देते हैं, इसमें मार्क भी देते हैं इस किसको कितने नंबर लाया है। इसलिए हो सके तो तुम लोग उसे जुड़ जाना, बच्चे लोग हो सकता है उसमें जुड़ जाना, बहुत हाँ 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 इनाम दे रहे हैं, इसलिए देख लो तुम लोग अगर जुड़ जाना तो तुम जुड़ी हो, हाँ ठीक, हम तुम लोग जुड़ी हो, जुड़ी नहीं ना, और देख लेना तुम तो लिखी पड़ी है ना, कहाँ तक पढ़ी हो, क्या था बोल जोर से, दसवीं तो ट्वेल्थ है, हाँ अभी उसमें उसमें जैसे यहाँ तो सुनती हो बहुत, तुम लोग अंदर तो बहुत ज्ञान है ही है, लेकिन उसमें जुड़ोगे तो उसमें क्या होगा, क्योंकि उसको
फिर तुमको पेपर देना पड़ेगा ना, जैसे बच्चे के पेपर देते हैं। इसलिए अगर उसको जुड़ोगे फिर क्या, सिंसियर रूप में जुड़ोगे, वो क्लास को अच्छी तरह सीख जाओगे, सीख जाओगे तो फिर तुम क्या कर सकते हो ना, अपना अड़ोसी पड़ोसी को, घर वाले अड़ोसी पड़ोसी को बुला करके वहीं पर तुम्हारे घर में भी उनको कथा सुना सकते हो। इसलिए जुड़ जाओ, ठीक है, उसमें जुड़ जाओ। बच्चा तुम लोग सब जुड़ जाना, शाम को भी बोलूँगा। और तुम भी कुछ लिखी पढ़ी हो? लिखी पढ़ी नहीं तो ठीक नहीं, तुम तो यहाँ रोज आती हो, कोई बात नहीं। तुम्हारी बहू को बोल देना, ठीक है, उसको बोल देना, क्योंकि वो थोड़ी सुनेगी तो अच्छे तरह से और सिंसियर हो जाएगी थोड़ी सी, हैं, और भगवान की कथा भी बोल सकती है, ऐसे उनको सिखाएंगे। और तुम्हारी बहू तो लिखी पढ़ी है ही है, और इतना लिखी पढ़ करके रोटी सेकने भी लगा दी, पर तो हो गया, इतना लिखा पढ़ना बेकार है, ठीक है। उसको जोड़ देना, जोड़ करके बोले जुड़ जाओ, तुम भी जुड़ जाना राहुल, तुम भी जुड़ जाना, क्योंकि उसमें पेपर देना पड़ता है। फिर सिंसियर बनोगे, हैं, फिर सिंसियर बनोगे तो अच्छे तरह से फिर कथा को अच्छे तरह से सुना सकते हो कथा को, क्योंकि उसमें पेपर भी होगा फिर, इसलिए जुड़े, ठीक है। शाम को भी जो आएंगे, मैं शाम को भी बोलूँगा, मेरे उसको फ़ोन आया था, वहाँ करके भक्तों को जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ दूँगा। धवन अला समा संसार दग्ध जीव कुला उधार कारणी करुणा वारिद कृपा वारी दारी बंदिश गुरु शरण कमल नृत गीत बद श्रीहरि कीर्तने रहे मगन महामतमणि रोमांच संपाको हाय गौरव प्रेमी बंदिश गुरु शरण कमल सदर सदी विग्रह सेवने श्रृंगार दियार मंदिर मार्जनी करे नहीं जुत अनुगत जनी बंदिश गुरु चरण कमल चर्बु चले प्यार समय प्रसाद न कृष्ण अति स्वादो हाय भक्त स्वादने निज तृप्त रे बंदिश गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादने लोभ सीताजिनी धन प्रतीक्षणी बंदिश गुरु चरण कमल सर्वशास्त्री गाये रति संबंधने ज्योति कर सखी सन वृंदावन अति दक्षताए प्रिय समगने बंदिश गुरु चरण कमल सर्वशास्त्री गाय भक्तगण भवे से अनुरूप किंतु दिनी प्रभु प्रियतम रूप बंदिश गुरु चरण कमल जाहर प्रसाद कृष्ण की पापाए जर प्रसाद अन्य गति नाय
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
अंदर परिष्कार है हमारे अंदर का भीतर का एक बार पोछा लगा देते कहाँ दर्द कर दिया संध्या समय में पूरा पूरा अंदर का कर दिया था ठीक कहाँ साफ कर दिया वहाँ तक कर दिया ठीक 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 I'm gonna go.
जय हरि नामा
जय राधे, जय कृष्ण महाप्रभु।
जय श्री श्री गुरु गुरुधारी गोपनाथ मदन मुनि की जय नितलीला प्रभुशल भक्ति शिव सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय नितलीला प्रभुशल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय नितलीला प्रभु।